Good morning, madam. Very good morning. Madam, मेरा नाम सतीश है. हाँ तो सतीश जी बताइए कैसे आना हुआ आपका. डॉक्टर मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ. जी बताइए कैसी सलाह चाहते हैं आप. इन दिनों मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ और वो भी बता देता हूँ कि मैं परेशान क्यों हूँ. जी बताइए जब तक आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा. डॉक्टर मैं अपनी स्टेज लाइफ से बहुत परेशान हूँ. मैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बेहद परेशान हूँ. मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. अपने बिजनेस में मुझे इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है कि घर वालों के लिए टाइम ही नहीं बचता है. अच्छा ये बताइए आपको किस तरह की टेंशन हो रही है. क्या आप बिजनेस को लेकर टेंशन में है या कोई और प्रॉब्लम है. जी जी बिल्कुल मैं अपने बिजनेस को लेकर बेहद परेशान रहता हूँ. समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ. ना तो मैं दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर सकता हूँ और ना ही अपने बीवी बच्चों को कोई टाइम दे पाता हूँ. एक तरह से देखा जाए तो मैं अपने बिजनेस में ही लगा रहता हूँ. सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बिजनेस ही सूझता है मुझे और इससे मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हैं. ना तो मैं उन्हें टाइम दे पाता हूँ और ना ही उन्हें कहीं घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ. जी हाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ को कितना टाइम दे पाते हैं. मेरा मतलब उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं. एक्चुअली मैडम ऐसा है कि जब हम अपने बिजनेस में टाइम देते हैं तो उन्हें टाइम नहीं दे पाते और वो इस वजह से वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा भड़कती है. देखिए अगर आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो घर में झगड़ा टेंशन तो होंगी और वो चिड़चिड़ी भी हो जाएंगी. ये बताइए मैडम अगर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा और फिर मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा मैं. देखिए ये बात तो सही है और अगर आपको बिजनेस को लेकर कोई मेंटली टेंशन है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. व्हाट. देखिए जब आप अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे तो उससे आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे बल्कि आपको मेंटली संतुष्टि होगी और आगे आप अपने काम के बारे में सोच पाएंगे. मेरा मतलब है कि फिजिकल रिलेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं ना. मैडम मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ तो क्या मुझे रोज अपनी बीवी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा. बिल्कुल जरूरी है. मैडम अगर मैं अपनी वाइफ के साथ संभोग नहीं करता हूँ तो क्या मेरी वाइफ मुझसे संतुष्ट नहीं रहेगी. बिल्कुल नहीं रहेगी. ऐसा क्यों मैडम. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब हमें खाने की ज़रूरत होती है तो हम टाइम टू टाइम खाना खा लेते हैं. इसी तरह जब शरीर को शरीर की भूख होती है तो उसे वो खाना मिलना ही चाहिए. जी बिल्कुल. ठीक वैसे ही जैसे एक मर्द को सेक्स की ज़रूरत होती है उसी तरह एक औरत को भी होती है. जब आप अपनी औरत को वक्त नहीं देंगे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइफ में तो टेंशन बनी ही रहेगी ना. डॉक्टर ये बताइए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाऊँ. अगर मेरी वाइफ को मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के बाद टाइम दूँ तो इसमें क्या बुराई है. अभी मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ और बाद में बिजनेस पे सक्सेस होने के बाद मैं अपने वाइफ को टाइम दे सकता हूँ. ठीक है हम आप इस बात को कंटिन्यू रखते हैं. जब आप अपनी वाइफ को वक्त नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास टेंशन बनी रहेगी. आप घर जाइए, ऑफिस से अपने बिजनेस से थोड़ा सा टाइम निकालिए. जिस तरह आपको सेक्स की ज़रूरत है उसको भी है. आप उसको सेक्स करें, उसे खुश करें, संतुष्ट रखें, उसे प्यार दें तो कैसे आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा और कैसे आप टेंशन फ्री नहीं रहेंगे. बताइए मुझे क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि संभोग जो है वो उम्र के हिसाब से होता है. जब आप एक स्टेज पर होते हैं आपके बीच में एक एज जो है कोई मायने नहीं रखती कि आप किस एज के हैं. हाँ जब आप एक टीनेजर एज में होते हैं तो सेक्स आपकी ज़रूरत होती है, आपकी नीड होती है. यंग लोग इसको इंजॉय भी करते हैं लेकिन हाँ जब आप उम्र के एक पड़ाव पर पहुँचते हैं तो उस वक्त आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की ही ज़रूरत होती है फिजिकल रिलेशन करना. मतलब मैडम बिजनेस के साथ साथ अपनी वाइफ को भी टाइम देना ज़रूरी है. जी बिल्कुल. जिससे हम लोगों की ज़िंदगी सही तरह से चलने लगेगी. बिल्कुल चलने लगेगी. मतलब अपनी वाइफ को टाइम देना हमारे लिए कंपलसरी है. बिल्कुल कंपलसरी है. देखिए अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा टेंशन में रहेंगे आप अपने फिजिकल रिलेशन का मज़ा नहीं ले पाएंगे और अगर टेंशन में रहेंगे और टेंशन को लेकर अपनी वाइफ के पास जाएंगे ना ही तो आपको मज़ा आएगा ना ही आपकी वाइफ को. इससे घर में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी. आपका फ्रेंड सर्कल, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप. बेहतर ये होगा कि जब भी आप अपनी वाइफ के साथ जाएँ अपनी टेंशन बाहर छोड़ के जाएँ, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएँ, उन्हें टेंशन ना दें बल्कि उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें.
डॉक्टर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस के सिलसिले में कई रोज बाहर भी रहना पड़ता है, आप ये मुझे बताइए कि मैं हफ्ते में कितना टाइम अपनी वाइफ को दूँ जिससे मेरी वाइफ को मुझसे कोई शिकायत ना रहे। देखिए, अगर आप अपनी वाइफ के साथ में हफ्ते में 2-3 बार रिलेशन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस के चलते या किसी टेंशन के चलते आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलत बात है। कम से कम अपने बिजनेस से, अपनी सारी प्रॉब्लम से इतना समय तो निकालिए कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो उन्हें दीजिए। जी मैम। और कोई हेल्प चाहिए सतीश जी मेरी? नहीं मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू।